सिरसा से गुजरने वाली गग्गर नदी में बरसात की वजह से इन दिनों पानी आ गया है। वैसे तो ये गग्गर नदी खाली रहती है, लेकिन बरसात के दिनों में इस नदी में पानी आने से ग्रामीणों की दिक्कतें बढ़ गई है। गग्गर नदी में पानी आने से नदी के उस पार बसे करीब 10 गांवों के लोगों के लिए मुसीबत हो गई है। गाँव वासियों को सिरसा शहर आने के लिए किश्ती का सहारा लेना पड़ रहा है। समस्या सर बहुत है, जैसे अब पहले तो हमने मिनी पुल यहाँ रखा हुआ है, लोहे की चैसी हैं, उसमें भी बहुत खतरा है सर। और हमारी प्रशासन से पहले भी बहुत मांग हमने की है, अब जैसे छोटे छोटे बच्चे लेडीज हैं सिरसा जाते हैं, इधर से हमें सिरसा केवल 10 किलोमीटर पड़ता है और बाय रोड जिधर से रोड वाइज बस आती है उधर से 22 किलोमीटर है। और हमने सरकार से मांग पत्र पुल के लिए, मिनी पुल के लिए मांगा भी हुआ है और 24 गाँवों का हमें समर्थन प्राप्त हुआ है, उन्होंने ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव पारित करके हमारे पक्ष में दिया है। और हम सरकार से मांग करते हैं हमें छोटी बोटी जैसे भी हो मिनी पुल का ही कम से कम सहयोग दे दे सरकार, तो बहुत उसका धन्यवाद होगा। अब ये किश्ती है ये भी टूटी फूटी है और अब तो थोड़ा पानी है सर, जब ज़्यादा इसमें पानी आ जाएगा तो 10-20 दिन बाद तो बहुत यहाँ जान का खतरा भी रहता है, बहुत रिस्क है। लेडीज़ और बच्चे स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं इधर से ही जाते हैं हम बरनाला रोड से वाया फरवाही होके। और हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से, मांग करते हैं हमें मिनी पुल का, हमने भेजा भी हुआ DC साहब के पास, उस पर कुछ गौर करें। और इतना ही नहीं, गांव से स्कूल व कामकाज के लिए आने जाने वाले लोग भी इन दिनों किश्ती के मोहताज हैं। गांव वालों की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो जाती, हालात ऐसे हैं कि लोगों को नदी पार करवाने वाली किश्ती की भी हालत खस्ता है, जो कि जगह जगह से टूटी हुई है, जिसके कारण किश्ती में पानी भर जाता है। किश्ती में सफर कर रहे लोगों को डूबने का भी डर सताता रहता है। नदी के उस पार बसे ग्रामीण सरकार और प्रशासन से छोटा पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सके, क्योंकि बरसात के दिनों में इन ग्रामीणों का गांव से निकलना भी परेशानी और दिक्कतों से भरा होता है। जी दिक्कत है जी, सानू भी लंघते हैं रोज तड़के, सुबह जाने हैं कि शाम नू आने हैं काम ते जाने हैं, कदे बेड़ी हुंदी है किसे वेले नहीं हुंदी। बाकी देखना बिच मोटरसाइकिल भी डिग पे, इन्ना का रास्ता वो की दिक्कत, देखना की चलूगा बिच, कई तो देखना बिच बेचारे बिच ही रह गए, हम की करके दस असि, इन्ना चिर हो गया जी सानू पुल दस कई आने, पुल नहीं देखना सानू, पानी आ जाता जी बस खड़ जाने मुड़ जाने पुठे, नौकरी का बस आई काम है, छुट्टियां भी कड़ा देंगे, छुट्टियां भी कड़ा देंगे अपन, छुट्टियां कौन देंदा अपन, बाकी कद वापस जाने कद कि कद कि आने जी बस आई 250 है जी, छोटा रास्ता पैंता है जी, सब पिंड सरसा जाने के लिए स्कूल वाले बच्चे यहाँ से जाते हैं, जो कॉलेज जाते हैं बच्चे जितने भी यहाँ ही जाते हैं सरसा, हाँ नाव चलाते हैं जी। ठीक है किश्ती जो पुल बढ़िया, सबसे बढ़िया बात है जो बन जी पुल, लीकिंग है जी काफ़ी, लीक खतरा है सुखा, क्योंकि आप स्प्रे इंजन फिट कर देते हैं जब लीक होती है, 5 रुपये लेते हैं। हिंद एक्सप्रेस के लिए सिरसा से विजय कुमार की रिपोर्ट।